उधम सिंह नगर के जसपुर में आज जो जीएसटी की टीम ने एक बार फिर शहर में कई जगह छापेमारी की है, जिससे शहर के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि कुछ दिन पहले शहर में टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने शहर में कई प्रतिष्ठानों और व्यापारियों पर अलग अलग टीम बनाकर एक साथ छापेमारी की थी। वहीं जीएसटी विभाग अधिकारियों ने बताया कि जसपुर में टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला है। जसपुर लकड़ी के कारोबार को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन आज जसपुर में किसी नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो सरकार का टैक्स चोरी कर रहे हैं जेल के अंदर होंगे और उनके घर भी तोड़े जाएंगे। जसपुर में लगभग 300 लोगों के नाम पर फर्जी फर्म बनाई गई है, जिसमें कुछ लोग बिस्तर पर पड़े हैं और कुछ अपंग हैं और कुछ मर गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्तिगत किसी से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर ना करे और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करे। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप लोगों ने इस ऑपरेशन को करने में हमारी मदद करी। ये ऑपरेशन बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी एक का नहीं है। ये सरकार के लिए पैसा है और इतना बड़ा घोटाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। और जसपुर जो दुनिया की, भारत की सबसे बड़ी लकड़ी मंडियों में है, वो उसका नाम बदनाम हुआ। आज जसपुर में आप किसी नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो ये इन्होंने जो गंदगी थी ये हमने साफ करने का बीड़ा उठाया और आप लोगों का जैसे आज तक हमारा साथ मिला है वो हम साथ देंगे। और हम आपको वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे पिछले 4-5 दिन से जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा योगदान है और मैं सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ।